नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास और सुपरस्टार शाहरुख खान, इन दोनों की इस साल की दो बड़ी पैन इंडिया फिल्में सालार और डंकी, दोनों फिल्में एक ही दिन पर रिलीज होने वाली हैं और दोनों फिल्में एक से बढ़कर एक है। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म पहले दिन बड़ी ओपनिंग लेने वाली है और कौन सी फिल्म अपने लाइफ टाइम में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी फिल्म नंबर वन बन सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बाद आप सभी खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें दोनों फिल्मों के ट्रेलर के बारे में, तो फिल्म सालार का ट्रेलर आउट हो चुका है और डंकी का ट्रेलर भी 2 से 3 दिनों के बाद आउट होने वाला है। जी हां दोस्तों, फिल्म डंकी के ट्रेलर को भी 7 दिसंबर वाले दिन आउट किया जाएगा। अगर बात करें फिल्म सालार के ट्रेलर पर आए व्यूज के बारे में, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म सालार के ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला। जी हां दोस्तों, फिल्म सालार के ट्रेलर को शुरुआती 24 घंटे में लगभग 116 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है और वहीं डंकी के ट्रेलर पे भी काफी अच्छे व्यूज आने वाले हैं। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म डंकी के ट्रेलर पर शुरुआती 24 घंटे में इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ पाएंगे। जी हां दोस्तों, जिसके पीछे का कारण है कि सालार एक ऐसी फिल्म है जिसको कि तेलुगु के साथ साथ बाकी सभी भाषाओं में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी हां दोस्तों, वैसे तो ये एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन हिंदी भाषा में इस फिल्म के ट्रेलर को तेलुगु से भी ज्यादा देखा गया है। जी हां दोस्तों, हिंदी भाषा में इस फिल्म के ट्रेलर को लगभग 55 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है, जिससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म सालार डंकी से कितनी आगे निकल सकती है। वहीं अगर बात करें दोनों के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही फिल्मों को इंडिया में लगभग 4,000 स्क्रीन्स मिलने वाली हैं और ओवरसीज में भी इन फिल्मों को लगभग एक समान स्क्रीन्स मिलने वाली। जी हां दोस्तों, दोनों फिल्मों को ओवरसीज में भी लगभग समान स्क्रीन्स मिलने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म सालार कमाई के मामले में आगे निकल सकती। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी ऑडियंस इंडिया में काफी ज्यादा है और फिल्म सालार के ट्रेलर को हिंदी में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी में तो दोनों फिल्में एक सी ओपनिंग ले सकती है, लेकिन बाकी भाषाओं में भी सालार काफी अच्छी कमाई करने वाली। जी हां दोस्तों, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन भाषाओं में भी सालार काफी अच्छी कमाई करेगी, लेकिन फिल्म डंकी सिर्फ हिंदी भाषा में अच्छी कमाई करने वाली है और बाकी भाषाओं में इस फिल्म का कलेक्शन काफी कम रहने वाला है, जिसकी वजह से फिल्म सालार अपने पहले दिन लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से कर सकती है। लेकिन फिल्म डंकी अपने पहले दिन लगभग 100 से 150 करोड़ तक की कमाई दुनिया भर से कर सकती है। अगर बात करें बुक माई शो के इंटरेस्ट के बारे में, तो फिल्म डंकी को बुक माई शो पे लगभग 1,29,000 इंटरेस्ट ही मिल पाए, वहीं फिल्म सालार को लगभग 6,27,000 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जिससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म सालार का हाइप सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा है और सुपरस्टार प्रभास के फैंस इस फिल्म का इंतजार काफी ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं, जिसके पीछे का एक और कारण इस फिल्म का डायरेक्टर प्रशांत नील, जो कि अपनी KGF और KGF Chapter 2 से सभी का दिल जीत चुके हैं। फिल्म डंकी के डायरेक्टर भी राजकुमार हिरानी हैं, जिसकी वजह से दोनों फिल्मों में कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन इन दोनों के रेस में सालार आगे निकल सकती। तो आप सभी को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी फिल्म पहले दिन ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कौन सी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।